जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जॉब से ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कमांड पठानकोट के द्वारा आपके लिए फायरमैन और लेबरर की रिक्वायरमेंट जारी की गई है। तो दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है ये 71 सब एरिया हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड पठानकोट पंजाब के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों, इसमें आपको फायरमैन और लेबरर की अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएँ, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा नॉर्दर्न कमांड पठानकोट के लिए रिक्वायरमेंट जारी की गई है। तो दोस्तों, इसका जो रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर है वो 2/2021 है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी वैकेंसीज़ की। तो इसमें जो आपकी सबसे पहली वैकेंसी है फायरमैन की, इसमें आपको टोटल 15 पोस्टें दी गई हैं, जो कि लेवल 2 के हिसाब से आपको इसमें सैलरी 19,900 से 45,700 रुपये तक दी जाएगी। और दोस्तों, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष तक दी गई है। तो दोस्तों, इसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए, और बाकी का क्राइटेरिया आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की। तो इसमें जनरल की आपको 8 पोस्टें, एससी की 3 पोस्टें, एसटी की 1 पोस्ट और ओबीसी की 3 पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी सेकंड वैकेंसी है लेबरर की, इसमें आपको टोटल 2 पोस्टें दी गई है, और इसमें भी आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 41,100 रुपये तक रहेगी, और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक दी गई है। और दोस्तों, इसमें आपकी ओनली 10th पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, कि इसमें आपको कितनी छूट दी जाएगी। तो इसमें जो आपकी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनकी एज लिमिट 18 से 28 वर्ष तक होनी चाहिए, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 30 वर्ष तक एज लिमिट दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल टेस्ट की। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है फायरमैन की, इसके लिए जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, इसमें आपको 65.5 किलोग्राम का एक भार उठाना पड़ेगा, और उसे आपने 183 मीटर तक 96 सेकंड में वो आपको लाइन पूरी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसमें जो आपका लॉन्ग जंप है वो 2.7 मीटर का होगा, और इसमें आपका 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट होगा, ये आपका इसमें फ़िज़िकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके रिटर्न टेस्ट की। तो इसमें जो आपका सिलेबस आएगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस के इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। तो इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 150 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, और इसकी जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी रिटर्न टेस्ट की वो 2 घंटे की होगी। तो दोस्तों, बाकी की जानकारी आप इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आपका सेंटर है टेस्ट का वो रहेगा आपका रिसेप्शन सेंटर रिक्वायरमेंट सेल ऑफ 5117 एएससी बटालियन एमटी नियर ममऊ टीसीपी डिफेंस रोड मोमन कैंट पठानकोट पंजाब 14501 पर आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे। तो इसकी जो परफॉर्मा है वो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए या ऑर्डिनरी पोस्ट के जरिए भी आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी सर्टिफिकेट लगेंगे उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पहले से एक्स सर्विस मैन है तो आपकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमोसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि आपका फायरमैन के लिए है वो भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको जो है सेल्फ एड्रेस्ड इनवेल्प लेना होगा, जिसके ऊपर आपने 45 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप लगानी है, और जो आप इसे सेंड करोगे उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अलॉन्ग विद सेल्फ एंड फादर्स एंड मदर्स नेम आपने उसके ऊपर ज़रूर लिखना है।
तो दोस्तों बाकी इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।